नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सागर से। ये सागर के उपजेल रेहली में बंदियों से हो रहा है अमानवीय व्यवहार, जेलर पर घटिया भोजन देने का आरोप लग रहा है। जी हाँ, मामला सागर जिले की तहसील रेहली में स्थित रेहली उपजेल में बंदियों के साथ क्रूरता, मारपीट, घटिया भोजन देने और एक ही सिरिंज से मरीजों को करीब 1 से 10-12 लोगों को इंजेक्शन लगाने की तथा एक ही रेंजर से 10-10 लोगों की दाढ़ी बनाने आदि गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस मामले में पहले भी कैदियों द्वारा मुख्यमंत्री, राज्यपाल व SDM रेहली से शिकायतें हो चुकी है, जिसकी जांच के बाद कोई कार्रवाई नजर नहीं आई। पूरे मामले में लीपापोती कर दी गई है, मगर उपजेल रेहली की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। शासन प्रशासन से हटके ही नियम रेहली उपजेल में है, वहाँ के जेलर अनुभव चौधरी द्वारा चलाए जा रहे हैं। कैदियों को जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा है। वहां पर देवरी तहसील के केसली ब्लॉक के ग्राम देचुआ के निवासी रामचंद्र यादव पिता मुन्ना यादव, जो कि 34/2 एक्ट अवैध शराब बिक्री मामले में 18 नवंबर को रामचंद्र यादव कैदी को रेहली उपजेल भेजा गया था, जो कि वहाँ 21 दिन रह के आए हैं, उनके द्वारा उपजेल की जेलर अनुभा चौधरी तथा वहाँ पर 302 के कैदी रामकृष्ण पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि जेलर द्वारा कैदियों से अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। साथ ही रामकृष्ण स्वयं कैदी है, मगर पूरी जेल को जो चला रहा है हरदी ग्राम रेहली का निवासी है, जो जेल से अंदर बाहर खुला घूमता है। आप रेहली जेल में किस मामले में गए थे? 34/2 का मामला। अच्छा, तो क्या मामला हुआ वहाँ पे, आपके साथ किस तरीके से बढ़ता हुआ? वहाँ पर हम पहुँचे तो रामकृष्ण आया, मुझसे बोला कि झाड़ू लगाओ, मैडम का सख्त आदेश है जी। तो उन लोगों ने मुझे चप्पलों से पीटा इसी कारण से। जो वहाँ पर भाजी की दोनों टाइम तो मूली की भाजी बनती है और सरसमराई की, और जो भाजी जहाँ पर उगती है वहाँ शौचालय का पानी जाता है, और क्या बोलते हैं उसको, जेलर कौन है वहाँ पे? अनुभव चौधरी। चौधरी रामकृष्ण किस पद पे है? रामकृष्ण किसी पद पे नहीं है, ये 302 का मुलजिम है और खुद की पत्नी का मर्डर करके आया है। अच्छा, बंदी नहीं हवलाती है, तो पूरी जेल ही चला रहा है? पूरी जेल यही चला रहा है। मैडम का सख्त आदेश है कि जे कछु रामकृष्ण कहे वो इस जेल में हो जाए। और जो देवरी विधानसभा से कांग्रेस, मतलब देवरी विधानसभा से आदमी जाते हैं, उसके लिए फुल बेइज्जती करी जाते हैं। जितनी फुल बेइज्जती का हाथ है, लेटरिन साफ करवाते हैं, कुट्टी साफ करवाते हैं, झाड़ू लगवाते हैं, पोछा लगवाते हैं, 50,000 रुपए की रामकृष्ण खुद डिमांड कर रखता है कि मैडम को सख्त आदेश है, पैसा दे ना तो तुमसे कुट्टी साफ कराई जाए। और जो बड़ा कोटा क्षेत्र से आदमी आते हैं बीजेपी वाले, उससे कुछ भी नहीं करवाते, फुल VIP तरीका से रेत हैं। रामकृष्ण को खुद भी बवर्ची से VIP खाना बन के आते हैं अलग से। और जो एक बुलेट से 10-10 आदमियों की दाढ़ी बनती है। अच्छा। एक बुलेट से 10-10-15 लोगों की दाढ़ी बनती है वहाँ पर। और कौन व्यक्ति अगर कोई बीमार हो जाए तो एक सरेंज से 20-20 लोगों को, 10-10 लोगों को उसी सरेंज से दवाई दी जाती। अच्छा, आप रेहली जेल में कितने समय रहे? हमारा 21 दिन। अच्छा, 21 दिन में आपको मतलब अमानवीय आपके साथ व्यवहार किया गया? जी, मुझे खुद चप्पलों से पीटा गया, मंगल सिंह राजपूत को चप्पलों से पीटा गया, और शक्ति सिंह राजपूत को चप्पलों से पीटा गया। और SDM साहब आए थे तो हम लोग कम से कम 100 लोग खड़े हुए थे शिकायत करने। जी, तो दूसरे दिन पेपर हम बस आहोर के लिए कुछ भी नहीं हुआ, कार्रवाई कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं, कोई भी कार्रवाई नहीं। गुप्ता ऑप्टिकल्स, जहां पर कंप्यूटर द्वारा आंखों की निशुल्क जांच के अलावा नजर, सिर दर्द एवं ऑपरेशन के चश्मे बनाए जाते हैं। पता स्टेशन चौराहा दमोह।